बहुत दिन बाद आप नजर आए पवन भैया के साथ, काफी वो प्यारा पल था, थोड़ी बहुत दूरिया थी लेकिन अब अच्छा लग रहा है। दूरिया कहाँ थी, कौन बोला दूरिया थी, नजदीक अब नजर आ रहा है। नहीं, मेरा तबीयत थोड़ा हेल्थ का इशू था और रेस्ट में था, दूरिया उनसे मतलब उनसे दूरिया हो ही नहीं सकते हैं, वो भैया है हम लोग को जिंदगी में कभी दूरिया। और मैंने न्यूज़ देख रहा था कि ऐसा दूरिया ये वो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पवन भैया हम लोग के बड़े भैया हैं और जो भी हम लोग हैं उनके बदौलत है, आज जो भी हम लोग हैं जहाँ से भी हो उनके आशीर्वाद है। और कभी भी ऐसा दूरिया मतलब ये सुन के मैं मुझे ये लग रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों ऐसा चीज़ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी जो खबरें थी, सोशल मीडिया के लोगों को भी चाहिए ना, मतलब देखिए बिना रीजन जाने बिना फैक्ट जाने लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी बना देते हैं, ये चीज़ गलत है, जानना चाहिए। मेरा नंबर था, कॉल कर लेना चाहिए था, ये सवाल को पूछकर इसके जवाब मिल जाता। खुद से लोग डिसाइड कर लेते हैं ये दूरिया कभी नज़दीक किया, हर महीना दिन किसी का इशू होता है, हेल्थ खराब हुआ थोड़ा सा हेल्थ का ये इशू था, मैंने आ गया था दिल्ली था, जब हेल्थ सही हुआ मैंने गया। ये शुभला फिल्म बहुत अच्छी अच्छी गाने लेकर आ रही है, धमाकेदार सॉन्ग लेकर आ रही है, हाल ही में कई गाने सुपर हिट रहे, क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए सुपर हिट गाना कोशिश तो किया जाता है कि सारे गाना ही सुपर हिट हो, और बैक टू बैक गाने की तैयारी चल रही है और आगे भी गाने आएंगी। जिस तरह से प्यार मिला है उम्मीद है कि आगे भी लोगों का प्यार मिलेगा, और हम लोग मेहनत करते हैं कि गाने सारे गाने को प्यार उतना ही मिले, बाकी सारे ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना किस गाने का प्यार मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बस मेहनत करते हैं वर्क करते हैं। आपकी एक बड़ी खास बात रही है कि आप हमेशा विवादों से दूर रहे हैं, दूसरी तरफ जब भी आप गाने लाते हैं तो बड़े चुनिंदा सिलेक्टेड गाने आपके चैनल से रही है और ऑडियंस का भर भर के प्यार मिला है। भैया भोजपुरी को आप जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं कि हाँ भोजपुरी को और किस कॉन्सेप्ट बेस पर काम करना चाहिए? एक्चुअली मेरा शुरू से टारगेट रहा कि थोड़ा देखिए मैं विवादों में नहीं रहता और मैं विवाद से मतलब भी नहीं रखता, मेरा एक ही एम रहता है ओनली वर्क। मैं काम में मतलब हमेशा सोचते रहता हूँ क्या हम लोग करें, क्या अच्छा करें, किस तरह का मैटर है जो कि मार्केट के लिए जो कि नया हो, क्योंकि देखिए भोजपुरी गाने जो आते हैं ये सारे तो आ ही रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट आए, जिस तरह से पंजाब इंडस्ट्री हरियाणा इंडस्ट्रीज उन लोग का डेवलप करके आज एक अच्छे लेवल पर जा रहा है, भोजपुरी तो हम लोग को ऑलरेडी जा ही रहा है, आज भोजपुरी भी एक स्थान है। लेकिन अगर हम लोग सभी लोग मिल के अगर चाहेंगे कि कॉन्टेंट कुछ अलग किया जाए, कंटेंट लगातार ना लाकर कंटेंट को अच्छा करने की लोग कोशिश करें ना, तो ओबियसली हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं।